उसपे रखा तो कुछ भी नहीं होने वाला। सेकंड फंक्शन है आपका ब्रॉयल। ब्रॉयल यानी क्या होता है कि ऊपर का जो रॉड है वो ही गर्म करना, ओटीजी वाला रॉड गर्म। उसके बाद आपका तीसरा फंक्शन है रोटेसरी वाला। रोटेसरी में फैन भी घूमेगा और हमारा ऊपर का रॉड गर्म होगा और वो रोटेसरी भी घूमेंगे। जैसे कोई चिकन बना रहा है, पनीर टिक्का बना रहा, तो ये रॉड के अंदर फंसा देने का। पनीर टिक्का तो इसमें नहीं होता, नहीं होता वो, पर आप करके देखो okay, थोड़ा बड़ा पीस। पर चिकन का पनीर टिक्का को वो प्लेट में रखते हो तो हो जाता है। और अगर इसमें मोस्टली रॉड पनीर टूटी जाता है, ठीक है, चिकन के लिए मोस्टली यूज होता है। हाँ, आपका पहला फंक्शन नल, सेकंड आपका ब्रॉइल। ब्रॉइल यानी ऊपर का, जैसे हमको चीज है, चीज को मेल्ट करना है और बेक करना है। हाँ, ऊपर का है और उसको ऊपर का ही सेक करना है, बस बस ऊपर का सिकाने के लिए। हाँ, ये वाला फंक्शन। सेकंड फंक्शन हम रोटेसरी का, और एयर फैन भी शुरू होगा उसमें, मगर वो स्पीड में नहीं होगा जो एयर फ्रायर मोड में होता है, तो मिनिमम होगा। उसके बाद अपना जो है ये टोस्टिंग वाला। टोस्टिंग यानी हमको ऊपर से और नीचे से दोनों से करना है, तो टोस्टिंग वाला। उसके बाद हमारा ये है बेकिंग, एक बेकिंग मोड दिया नीचे। बेकिंग मोड यानी जो प्रोफेशनल बेकर होते हैं वो कभी भी केक को ऊपर या नीचे दोनों तरीके से नहीं पकाते, वो नीचे से ऊपर लेके जाते। तो मोस्टली दे यूज दिस बेकिंग फंक्शन, यानी नीचे से ऊपर जाने का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको एयर फ्रायर। एयर फ्रायर मोड में हमारा फैन चालू हो जाता है फुल स्पीड में। एयर फ्रायर का मोड होता है फुल स्पीड में फैन चालू होगा और 360 डिग्री इसकी एयर पास करेगा। 360 डिग्री होने से क्या होता है, हम नॉर्मली जो एयर फ्रायर यूज करते हैं।